देखो बच्चों, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने शायद आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा के छोड़ दिया था कि f इज ऑड। f कैसा फंक्शन है? ऑड। तो इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स आपका क्या रहेगा? जीरो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि f इज इवन तो इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब ये कब सोचना है कि बाउंड्री पॉइंट इज डिफर बाय द साइन ओनली। आपके जो बाउंड्री पॉइंट है वो साइन से डिफर होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है बच्चों। तो हम लोग जो कोशिश करेंगे रिगार्डिंग टू दिस, अब ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब तो मेरे कहने का मतलब कि f of x equals to sine raised to 7 power x, x equals to क्या लगा हूँ? माइनस x। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसा लिखा जाए sine x to the power 7। अब even odd क्या कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, x equals to क्या ले लो? माइनस x। हाँ, ये भी मेरा मैं आपको एक बार क्लियर करवा देता हूँ कि अगर f of माइनस x equals to fx तो even हो जाएगा। f of minus x equals to minus of fx तो क्या हो जाएगा बच्चों? odd। तो हम लोग ये कंफर्मेशन लेंगे ये फंक्शन even है या odd है। तो sin of minus x, sin of minus x क्या होगा? minus of sin x। अब minus sin है लेकिन power odd है, minus of sin raised to 7 power x। ये value, this value stand for fx। तो f of minus x equals to क्या हो जाएगा? minus fx। तो f is odd, f is odd। तो nothing to do in that one, आपको क्या करना है? सिर्फ i equals to minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to 7 power x और equals to करके आंसर सीधा क्या लिख देना है बच्चों? 0। आंसर सीधा क्या लिख देना है? 0। तो अब इसको एक बार आप लोग ढंग से देख लो, फिर मैं मतलब उसको आगे बढ़ाऊंगा। बच्चों एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस कंसेप्ट, वो मैं ट्राई करवा रहा हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ व्हाट हैपन, वापिस बाउंड्री पॉइंट डिफर बाय द साइन ओनली। तो आपका एफ ऑफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, उसको एक स्टेप करके मैं लिखूंगा साइन एक्स टू द होल स्क्वायर। अब मैंने आपको दिखाया एक्स इक्वल्स टू क्या लगा हो? माइनस ऑफ एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स और ये जो नंबर आएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे पावर इवन है तो साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स तो स्टैंड फॉर व्हाट? एफ एक्स। तो आपका जो एफ है इज इवन। अगर एफ इवन है बच्चों, अगर एफ आपका इवन है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इंट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज टू टाइम 0 to pi by 2
sin square x. It can be written as 2 times 0 to pi by 2 sin square x dx. अब बच्चों मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो I equals to 0 to pi by 2 sin square जो x है उसका मैंने formula दिया है बच्चों, 1 minus cos 2x by 2, 2 2 cancel, तो integration 0 to pi by 2 1 minus cos 2x dx. अब बच्चों 1 integration x, 2x को x मान लो, x plus b, b 0, तो ये हो जाएगा sin 2x upon coefficient of x is 2. अब x की value pi by 2 लगाओ, तो pi by 2 sin of 2 into pi by 2 divided by 2, ये upper की बात हुई बच्चों, minus करके lower, तो मैं ऐसा बोलूँगा 0 लगाओ, sin of 2 into 0 divided by 2. अब बच्चों pi by 2 as it is, 2 2 cancel, sin pi upon 2, 0 as it is, 2 into 0 sin 0 upon 2. अब sin pi की value क्या होगी बच्चों, 0, यहाँ पे sin 0 0 और ये भी 0. अब थोड़ा simplify आप लोग देख लेंगे तो answer क्या मिलेगा, pi by 2. इसको ढंग से देख लो, देखो एक नए कंसेप्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, छोटा सा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि आपको तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है बच्चों, एक नया कंसेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ राइट नाउ. कि ये आपने पढ़ा है कि मोड ऑफ x माइनस a इक्वल्स टू x माइनस a, ये कब लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन a, मोड ऑफ x माइनस a इक्वल्स टू a माइनस x, a is greater than x. ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सर लिख देते इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू a. अगर x a से ग्रेटर है तो x माइनस a लिखा जाएगा, अगर x a से स्मॉलर है तो माइनस के आगे क्या आ जाता है, ये चीज फोकस करना. अगर x ग्रेटर देन है तो मोड खुलेगा तो माइनस के आगे x, a पीछे, अगर x लेस देन है तो मोड खुलेगा तो माइनस के आगे और x पीछे, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों. एक बार फिर से, अगर मोड में चीज आ रही है, मोड खुलना है, तो अगर x ग्रेटर देन है तो माइनस के आगे x और पीछे a, अगर a ग्रेटर देन x है तो मोड खुलेगा तो माइनस के आगे a और पीछे x. तो बच्चों ये एक देख लो, फिर मैं इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करवा रहा हूँ. देखो बच्चों, ओके, तो मैं अभी जा रहा हूँ एक क्वेश्चन नंबर 18. थोड़ा ऑर्डर चेंज है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू 4 मोड ऑफ x माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन 0 टू 4 मोड ऑफ x माइनस 1 dx. देखो ऐसे केसेस में मोड के अंदर जो भी नंबर लाइक x माइनस 1 है इक्वल्स टू 0 ले लो,
एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मतलब वन। एक नया कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अब ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं सी बिलोंग कर रहा है, कहीं ना कहीं बीच में, तो ये जो चीज है उसको आप लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कुछ सी है ना, तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड देन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। वैसे कोई नंबर डी भी बिलोंग कर रहा है लेकिन सी स्मॉलर देन डी, तो एक और भी आप लोग जा सकते हो। मतलब यहाँ पे सर ऐसा कुछ करेंगे कि मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और सी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, कहीं ना कहीं है, तो ए टू बी से मैं लिखूंगा पहले ए टू सी। एक एग्जाम्पल कि वन टू फोर एफ एक्स डी एक्स, अब टू लाई कर रहा है तो आप लोग लिख सकते हो कि वन टू टू एफ एक्स डी एक्स, टू टू फोर एफ एक्स डी एक्स, समथिंग लाइक दैट वे। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। अब इसी चीज से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, मेरे कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे जो मोड के अंदर नंबर कौन सा था, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मैंने ब्रेक किया, एक्स की एक वैल्यू क्या होगी, वन, वन लाइज बिटवीन जीरो टू फोर। देखो मेरी बात सुनो, आई इक्वल्स टू जीरो टू फोर एक्स माइनस वन डी एक्स, अब वन है ना, तो जीरो टू वन एक्स माइनस वन डी एक्स एंड देन वन टू फोर एक्स माइनस वन डी एक्स। मतलब मोड के अंदर एक्स माइनस टू होता तो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू टू, तो जीरो टू टू एंड देन टू टू फोर। अगर थ्री होता तो मैं ऐसा लिखता एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो जीरो टू थ्री एंड देन थ्री टू फोर, समथिंग लाइक दैट। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो x जो है, यहाँ पे जो x है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, बिटवीन जीरो टू वन, मीन्स जीरो लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू वन। या तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी कन्वेनियंसी के लिए मैं ओपन इंटरवल डाल के बात कर रहा हूँ, कन्वेनियंसी के लिए। तो आपका जो मतलब x जो है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, जीरो टू वन, जीरो लेस देन x लेस देन वन। अब यहाँ पे आपका जो x है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, बिटवीन वन टू फोर, वन लेस देन x लेस देन। तो बच्चों यहाँ पे x की जो वैल्यू है वन से लेस है, x की वैल्यू वन से लेस है, तो अगर इसका मोड खोलेंगे हम लोग, देखो मैंने अभी कंसेप्ट क्लियर किया था, अकॉर्डिंग टू दिस x की वैल्यू वन से लेस है, मीन्स यहाँ पे वन ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे मोड खुलेगा तो क्या लिखा जाएगा, वन माइनस एक्स, क्योंकि x वन से क्या है, मतलब x वन से क्या है, स्मॉलर है, वन ग्रेटर देन x, तो माइनस के आगे वन होगा और पीछे क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे वन इसके लिए, ये वन के लिए, यहाँ पे x की वैल्यू वन से क्या है, मतलब ग्रेटर है, आप लोग समझ रहे हो, तो वन टू फोर के लिए, क्योंकि x की वैल्यू वन से ग्रेटर, तो वन टू फोर के लिए क्या होगा बच्चों, कि x की वैल्यू वन से ग्रेटर है तो यहाँ पे मोड खुलेगा, तो x जो है माइनस के आगे होगा और वन माइनस के पीछे, सीधा डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सर ने यहाँ पे एक गलती ये कर दी है कि जीरो टू क्या होना चाहिए, वन। अकॉर्डिंग टू दिस x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो लिया, x इक्वल्स टू वन, तो स्प्लिट अप क्या होगा, जीरो टू वन एंड वन टू फोर। फिर x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस जीरो टू वन, तो x लाइज बिटवीन जीरो टू वन, तो जीरो लेस देन x लेस देन वन, मीन्स x इज स्मॉलर देन वन, वन इज ग्रेटर देन x, तो ये मोड खुलेगा, तो वन माइनस x बिटवीन जीरो टू वन। और वन टू फोर उसमें x के वैल्यू वन से ग्रेटर, तो ये वाला जो मोड खुलेगा बच्चों, तो उसमें x ग्रेटर देन वन है, तो माइनस के आगे x होगा और पीछे वन होगा। अब बच्चों मेरी बात सुनो, वन का इंटीग्रेशन होगा x, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट जीरो टू वन। अब एक्स स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन वन, यहाँ पे लिमिट होगी वन टू फोर। अब इसका सिंप्लीफिकेशन चाहिए, देखो पहले वन लगाओ, वन दिस इज वन स्क्वायर बाय टू, ये कंप्लीट हो जाता है, फिर यहाँ पे आप लोग लगाएंगे फोर अपॉन टू फोर, यहाँ पर माइनस लोअर के लिए वन स्क्वायर बाय टू माइनस वन, अब वन एज इट इज और वन स्क्वायर वन, तो ये होगा वन माइनस वन बाय टू, फिर ये हो जाएगा फोर स्क्वायर सिक्सटीन, फोर स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन डिवाइडेड बाय टू, तो एट माइनस फोर, ठीक है। अब ये वन बाई टू माइनस ऑफ वन, ये वन बाई टू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, वन,
तो 1/2 - 1 इसको बंद कर दो। अब 1 - 1/2 क्या होगा? 1/2। 1 - 4 क्या होगा? 4। और मेरी बात सुनो, 1/2 - 1 - 1/2 और आगे का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सब कुछ खोल के लिख देते हैं। अब ये हाफ और ये हाफ 1 और प्लस 1 4, इसका आंसर क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन तो आपको आ रहा है। मेन थिंग ये थी कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। अगर x की वैल्यू 1 मेरे को मिली तो 0 टू 4 को ऐसे ब्रेक करो, 0 टू 1, 1 टू 4। लेकिन यहाँ पे x जो है वो बिटवीन 0 टू 1, मैंने जानबूझ के ओपन इंटरवल रखा है, क्लोज वैसे तो क्लोज होना चाहिए। फिर बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है, मतलब 1 ग्रेटर देन x, तो ये मोड खुलेगा बिटवीन 0 टू 1, 1 माइनस x। लेकिन बिटवीन 1 टू 4 x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो बिटवीन 1 टू 4 मोड खुलेगा, तो माइनस के आगे x होगा और 1 पीछे। बाकी का इंटीग्रेशन वैल्यू तो आप लोग को, आप लोग यूज तो है तो आप लोग कर सकते हो। तो पहले ये देख लो, देखो रिगार्डिंग टू दिस एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए तो 6। इंटीग्रेशन 2 to 8 मोड ऑफ x माइनस 5 dx, मोड ऑफ x माइनस 5 dx ऑलमोस्ट सेम बच्चों। सबसे पहले x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5, तो इंटीग्रेशन 2 टू 8 मोड ऑफ x माइनस 5 dx इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 2 टू 8 को कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग? जैसे प्रीवियस में क्या था, 0 टू 4 था और x इक्वल्स टू क्या मिला था, 1, तो ब्रेक कैसे किया, 0 टू 1 एंड देन 1 टू 4, यहाँ पे 5 मिला है तो 2 टू 5, फिर होगा 5 टू 8। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर मैं यहाँ पे भी यही बात आपसे बोलूं तो बच्चों 2 लेस देन x लेस देन 5 और यहाँ पे होगा 5 लेस देन x लेस देन 8। सवाल x और 5 का है, ये आपका x है और ये a है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो a से कम है, x की वैल्यू a से कम है, a इज ग्रेटर देन x, तो इसका जो मोड खुलेगा बच्चों तो ये लिखा जाएगा 5 माइनस x dx 5 टू 8। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे ये देखो और यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 से क्या है बच्चों, कम है, मतलब 5 ग्रेटर देन x, तो मोड खुला 5 माइनस x। यहाँ पे x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे मोड खुलेगा, तो माइनस के आगे x होगा और पीछे 5 होगा। अब बच्चों इंटीग्रेशन तो आपको पता है, कैन आई राइट हियर? तो अब इंटीग्रेशन 5 को तो निकाल लेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन 1 इज x और x का इंटीग्रेशन रहेगा बच्चों x स्क्वायर बाय 2, ये है 2 टू 5, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और 5 का हो जाएगा 5x, ये 5 टू क्या होगा 8।
अब करना कुछ नहीं है, अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर। तो पहले अपर के लिए तो x की वैल्यू 5 डालो, यहाँ पे 5 स्क्वायर बाय 2 माइनस करके लोअर 5 इंटू 2, तो x की वैल्यू 5, फिर x की वैल्यू अपर में भी 5, फिर लोअर में x की वैल्यू 2, फिर 2 स्क्वायर, ये इसका कंप्लीट हुआ। अब प्लस करके इसके लिए जाएंगे हम लोग, तो x की वैल्यू 8 डालो अपॉन 2, 5 इंटू 8, ठीक है अपर। अब लोअर के लिए जाना है तो x की वैल्यू 5 अपॉन 2, 5 इंटू 5, ब्रैकेट ओवर कर्ली ब्रैकेट। अब बच्चों सिंप्लीफिकेशन के लिए फोकस, 5 5 इज 25, 5 स्क्वायर 25 बाय 2, 5 2 इज 10, 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। 8 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 2 32, और ये नंबर आएगा वो 45 8 सा। 5 स्क्वायर 25 अपॉन 2 25, अब बच्चों इसका 25 इनटू 2 50 माइनस दिस, तो ये जो होगा वो 25 बाय 2 और ये नंबर आएगा आपका 8। 32 माइनस 40 ये होगा माइनस 8, 2 LCM, तो 25 माइनस 50 माइनस 25 बाय 2, लेकिन आगे से माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस। अब 25 बाय 2 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 25 बाय 2, इन दोनों का एडिशन होगा 25 और माइनस 8 माइनस 8 16, सिंप्लीफाई होके 25 माइनस 16 आंसर होगा 9। चलो लिख लो लास्ट क्वेश्चन, देखो ऐसा एक क्वेश्चन फिफ्थ वाला है, इंटीग्रेशन माइनस 5 टू 5। अब मैंने जानबूझ के इसका ऑर्डर चेंज किया, कुछ क्वेश्चंस के ऑर्डर में चेंज करता हूँ बच्चों। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मेरे कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं फिफ्थ कंटिन्यूटी में जाता तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता। जैसे कि सर यहाँ पे आपको आइडिया दे रहे हैं कि एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो गिव्स एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, तो बिटवीन माइनस फाइव टू फाइव एक नंबर बीच में मिलेगा ऑफकोर्स माइनस टू। तो सबसे पहले मेरी जो कोशिश रहेगी वो माइनस फाइव टू फाइव मोड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव टू माइनस टू मोड ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स एंड देन माइनस टू टू फाइव मोड ऑफ एक्स प्लस टू
ठीक है बच्चों, x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ये तीसरा सम चल रहा है, तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो गिव्स x इक्वल्स टू माइनस टू। तो मैंने माइनस फाइव टू फाइव का जो डोमेन था उसको ब्रेक किया, माइनस फाइव टू माइनस टू एंड देन माइनस टू टू फाइव। अब बच्चों यहाँ पे माइनस वाली बात नहीं है, तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट मैं खुद कर रहा हूँ, x प्लस टू को ब्रेक करो माइनस ऑफ माइनस टू। प्लस टू को कैसे ब्रेक किया जाएगा, माइनस ऑफ माइनस टू, ठीक है। अब ये जो होगा वो माइनस टू टू फाइव एक्स माइनस ऑफ माइनस टू। जहां तक इसका सवाल है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन सॉरी माइनस फाइव आई एम सॉरी माइनस फाइव लेस देन एक्स लेस देन माइनस टू, और यहाँ पे होगा माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन। तो अब आपका ये नंबर तो x होगा, लेकिन a क्या है आपका, माइनस टू है। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो कि माइनस टू इज ग्रेटर देन x, क्योंकि यहाँ पे x स्मॉलर देन माइनस टू। मैंने x प्लस टू को ब्रेक किया माइनस इनटू माइनस। अब फॉर्मूला जो है x मोड ऑफ x माइनस है, तो मोड ऑफ x माइनस है क्रिएट करना था, इसके लिए सर ने ये प्लस साइन को ब्रेक किया। फॉर्मूला मोड ऑफ x माइनस है क्रिएट करना था, इसके लिए प्लस को ब्रेक किया माइनस इनटू माइनस। सेम थिंग इज डूइंग ओवर हियर। अब फॉर्मूला के मुताबिक x जो है वो माइनस फाइव और माइनस टू के बीच में, मतलब x इज स्मॉलर देन माइनस टू, माइनस टू इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे जो मोड खुलेगा वो माइनस टू माइनस क्या रहेगा x, क्योंकि माइनस के आगे x माइनस टू इज ग्रेटर देन x, x इज स्मॉलर देन माइनस टू, तो माइनस टू माइनस के आगे आएगा और x माइनस के पीछे। अब यहाँ पे देखा जाए, आई एम फोकसिंग ऑन दिस वन, यहाँ पे और यहाँ पे ये x की वैल्यू माइनस टू से ग्रेटर है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस टू से ग्रेटर है, तो यहाँ पे मोड खुलेगा तो x जो है वो माइनस के आगे होगा और माइनस टू पीछे। आप लोग क्लियर देख सकते हो बच्चों। एक स्टेप और यहाँ पे आगे बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ माइनस फाइव टू माइनस टू, और इससे कन्वेनियंसी के लिए इन दोनों से माइनस साइन में कॉमन निकाल लेता हूँ, टू प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस कर दो, क्योंकि मेरा जो काम था वो खत्म हो गया बच्चों। तो यहाँ पे लिख दो x प्लस टू एक्स, ये एक्सप्लेनेशन और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने के ट्राई किए। अब इंटीग्रेशन आपको स्प्लिट करना है, तो ये 2x, ये एक्स स्क्वायर बाई टू, ये माइनस फाइव माइनस टू, ये एक्स स्क्वायर बाई टू, टू इंटू क्या होगा माइनस टू, माइनस टू स्क्वायर बाई टू, ये अपर हो गया, लोअर के लिए तो 2 इंटू माइनस फाइव, माइनस फाइव अपॉन टू, देखो 2 इंटू माइनस टू प्लस माइनस टू स्क्वायर बाई टू अपर, लोअर के लिए 2 इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव स्क्वायर, फिर ये होगा फाइव स्क्वायर अपॉन टू, टू इंटू फाइव, ये अपर हो गया, लोअर के लिए माइनस टू स्क्वायर बाई टू, टू इंटू माइनस टू। अब धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, ये माइनस फोर समझ लो, और ये टू स्क्वायर फोर और डिवाइडेड बाय टू इट इज टू, फाइव इन टू इंटू माइनस फाइव माइनस टेन, ये ट्वेंटी फाइव बाय टू, ये इसका सिंप्लीफिकेशन, फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव, फाइव टू जा टेन। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइव अपर बराबर है, माइनस टू स्क्वायर फोर डिवाइडेड बाई टू डेट इज टू, और ये बच्चों अब यहाँ पे माइनस फोर प्लस टू ये माइनस टू, इसका हम लोग टेन इंटू टू ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी कितना होगा फाइव बाई टू, और आगे का माइनस ये देख लो, ये कितना होगा टेन टू जै ट्वेंटी, तो ये जो बनेगा वो फोर्टी फाइव अपॉन टू, और टू माइनस फोर माइनस टू, और आगे का माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस टू। अब माइनस को अंडर लगाओ तो टू प्लस फाइव बाई टू 45 by 2 plus 2, 45 plus 5, 50 divided by 2, 25 और ये 4, इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा वो क्या होगा 29, देख लो बच्चों। शायद एक ही क्वेश्चन को छोड़ के मेरी नॉलेज से अगर होगा तो मैं देख लेता हूँ एक या दो क्वेश्चन कुछ है तो, वरना ये 7.11 खत्म है आपका जो टेस्ट का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट ओवर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो।